हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको लगभग 15,000 रुपए में मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स के प्राइस को बढ़ा रही है। ऐसे में आपके लिए एक बढ़िया और अच्छा बजट स्मार्टफोन खरीदने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है Realme कंपनी का नार्जो 30 स्मार्टफोन। दोस्तों, यह स्मार्टफोन कंपनी का बढ़िया स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की फुल HD पंच होल नोच डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि एक बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की बड़ी डिस्प्ले है। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने ट्रिपल कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का इसका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया है। इसके अंदर आपको रियर कैमरा सेंसर भी बढ़िया मिलता है और इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी बढ़िया मिल जाता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने मीडियाटेक का चिपसेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों कंपनी का एक बढ़िया चिपसेट है। ये आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों, इसके प्रोसेसर की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 30 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई गई है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको बढ़िया फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट और पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन आपको बढ़िया और अच्छा लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है। और दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी ने 4GB और 6GB रैम के वेरिएंट में उतारा है। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का शुरुआती वेरिएंट आपको लगभग 14,000 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी M32 4G स्मार्टफोन। तो दोस्तों, यदि आप सैमसंग कंपनी के फैन हैं तो दोस्तों, आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि इन्फिनिटी यू शेप के कटआउट के साथ आती है। और इसके अंदर आपको 19Hz रिफ्रेश रेट का विस्फोट मिल जाएगा। कैमरा सेंसर की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने शुके टाइप का क्वाड कैमरा सेटअप प्रोवाइड कराया है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का इसका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी आपको कंपनी ने बढ़िया कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराए हैं। इसके अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आप जबरदस्त पिक्चर्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में स्मार्टफोन नार्जो 30 प्रो स्मार्टफोन से ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर भी आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट दिया है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगा। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 15 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 6000 mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने फास्ट चार्जर तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपको बैटरी 6000 mAh की देखने को मिल जाती है, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है। और दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी ने 4GB और 6GB रैम के वेरिएंट में उतारा है। तो दोस्तों, यदि आप स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का शुरुआती वेरिएंट आपको लगभग 15,000 रुपए में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है Xiaomi कंपनी का Redmi Note 10S स्मार्टफोन। दोस्तों, यह स्मार्टफोन भी कंपनी का बढ़िया स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स दिए हैं और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। तो दोस्तों, यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने 6.43 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आती है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाता है। कैमरा सेंसर की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का इसका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा इतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलता। हालांकि दोस्तों, कुल मिलाकर यह स्मार्टफोन फ्रंट कैमरा के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है।
और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको कंपनी ने मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट दिया है, जो कि दोस्तों आपको रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों यह चिपसेट आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इस चिपसेट को मार्केट में गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ही उतारा है, जो कि आपको बजट स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो दोस्तों इसके अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 5000mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई गई है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको पावरफुल बैटरी और बढ़िया फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी ने 6GB RAM के साथ उतारा है, जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन का भी शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 15,000 रुपए में मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको टाइम टू टाइम डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है पोको कंपनी का पोको X3 स्मार्टफोन। दोस्तों यह स्मार्टफोन भी कंपनी का बढ़िया स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD पंच होल नोच डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कंपनी ने फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जिससे दोस्तों आप स्मार्टफोन के अंदर वीडियो आदि को अच्छे से देख सकते हैं और गेमिंग आदि को कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा सेंसर की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको कंपनी ने क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 64 MP का इसका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैमरा के मामले में स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन की जैसा ही है, इसके अंदर भी आपको 64 MP का रियर कैमरा सेंसर और 20 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड कराया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट दिया है, जो कि आपको जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने पावरफुल प्रोसेसर दिया है और इसके अंदर आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पावरफुल बैटरी और बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन आपको जबरदस्त पावर बैकअप देने वाला है। और दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी ने 6GB और 8GB RAM के वेरियंट में उतारा है। तो दोस्तों यदि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 16,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको पावरफुल बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के लिए 1,000 रुपए ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है मोटो कंपनी का मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स तो पोको X3 स्मार्टफोन के जैसे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन का प्राइस उस स्मार्टफोन से कम है, इसलिए हमने इस स्मार्टफोन को नंबर 1 पर रखा है। दोस्तों अगर स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको कंपनी ने 6.78 इंच की फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आती है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको कंपनी ने फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है और इसके अंदर भी आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इस वीडियो में बताए गए सभी स्मार्टफोन से बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरा सेंसर की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको कंपनी ने ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए हैं, जिसमें आपको 64 MP का इसका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको कंपनी ने बढ़िया कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराए हैं, इसके अंदर आपको रियर कैमरा सेंसर भी बढ़िया मिलता है और इसके अंदर आपको दोस्तों सेल्फी कैमरा भी बढ़िया मिलता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर की सबसे खास बात, इसके सेल्फी कैमरा के अंदर आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको पोको X3 स्मार्टफोन की जैसे ही स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट मिल जाता है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा। बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6000mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको बढ़िया और अच्छा लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है और इसके अंदर आपको 20 वाट का टर्बो फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिलता है। और दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी ने 4GB और 6GB RAM के वेरियंट में उतारा है। तो दोस्तों यदि आप स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 14,500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर सेल शुरू हो रही है, जिनके अंदर आपको इन सभी स्मार्टफोन का प्राइस और भी कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।